Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my Beamer, in my Beamer, yeah, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Look shawty, always out of molly. You ain't really gotta talk, so like why you tryna stop me, yeah. Hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna come top me, what? Yeah, I gotta check, I'm finna cop Balenciagas. Yeah, I'm living with no stress, no, I don't gotta kill you choppers. Couple Corvette, now I'm riding with your daughter. Gucci camo vest, quit the plot and I'ma stop ya. Yeah, I've been riding with a gang, I've been shut up with a thing, I've been rolling with the same shawty, hey. I ain't capping, I be lame. Ain't nobody stop my game, shawty wanna make it rain, yeah, man. Yes, I, out of eyes, tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my Beamer, in my Beamer, yeah, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट एंग्री ओम एंड वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग में आपने गेम प्ले देखा है और ये जो आईडी से मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस, ये मेरे छोटे भाई की आईडी है, जिसकी आईडी में मतलब एसएमजी गन की बहुत अच्छी वाली मतलब ओपी वाली स्किन है, MP40 जैसे है ना, हो गया। तो इसलिए मैंने गाइस इसकी आईडी जो है चूज की है, ठीक है। तो और आज की वीडियो भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको एम बोट की जैसे मतलब एसएमजी गन्स के ना हेडशॉट मारना है भाई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मारा है, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना मेरे भाई। एंड एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, हम्बल रिक्वेस्ट समझ लो भाई, यार सपोर्ट दिखाओ यार आप लोग। सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है भाई, वीडियो देख रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करे, प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे भाई यार। एंड लाइक जरूर से करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है। एंड काफी सारे बंदों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि भाई एंग्री भाई आप कौन सा ब्लू स्टैक का वर्जन यूज करते हो। तो भाई सबसे पहले आपको बता दूं, मैं 5 वर्जन यूज करता था, लेकिन अपडेट के बाद जो है भाई बहुत ही घटिया चल रहा था वो, तो इसलिए भाई मैंने ना अभी ना ब्लू स्टैक 4 पे शिफ्ट हुआ हूं। तो उसके बाद में मैं आपको बाद में बताऊंगा कहानी की क्या कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग सेट करते हैं हमारी एक्स एंड वाई की सेंसिटिविटी, जैसे कि आपका हेड जो है ना डायरेक्टली मतलब एनिमी का रेड नंबर लगेगा आपका एसएमजी का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक्स की यहाँ पे 1.3 सेट कर रखा है, वाई जो मेन होता है हेडशॉट के लिए 2.29 सेट मतलब सेट करके रखा है मैंने। अगर आप ब्लू स्टैक 5 यूज कर रहे हो ना भाई, इसको आप थोड़ा इंक्रीज कर लेना मेरे ख्याल से। तो आपको लगता है कि भाई आपको थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए अगर आप है ना ब्लू स्टैक 5 यूज कर रहे हो, ठीक है। एंड मैंने माउस का जो DPI रखा है भाई वो है मतलब 1200 पे, मैंने मतलब यहाँ पे खेल रहा हूँ, मैं थोड़ा माउस दूसरा लिया है मैंने, चेंज किया है, तो 1200 मतलब DPI रखा है। एंड सेंसिटिविटी यहाँ पे गेम की मैं यहाँ पे बता दूं, जनरल सेंसिटिविटी मैं 0 पर ही रखता हूँ, क्योंकि पता नहीं भाई मेरा जो एम मतलब जो है ना एक्यूरेट बैठता है इससे भाई, ठीक है। तो आप अगर देख लो एक बार इसको करके ये वाली सेम सेंसिटिविटी, और अगर आपका ना कुछ ना मतलब रिकॉइल हो रहा है ना भाई, तो रेड डॉट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे रेड डॉट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेट किया है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना कि रेड डॉट की जो सेंसिटिविटी होती है उसको अच्छे से सेट करना अगर आपका रिकॉइल होता है तो, ठीक है। ये सब हमारी हो चुकी बेसिक सेंसिटिविटी, जैसे मैं अभी बता दे रहा हूँ कि मैंने 17 पे सेट इसलिए किया है क्योंकि मेरा जो है ना बहुत रिकॉइल हो रहा था भाई, तो इसको मैं अभी चेंज नहीं करूँगा क्योंकि यार चेंज होते ही मतलब मेरा रिकॉइल मारने लगा फिर से, ठीक है। तो ये सब हमारी हो चुकी है सेंसिटिविटी। अब मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप है ना 1600 पे खेल रहे हो तो आपको थोड़ा मतलब है ना कम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 1600 पे जो सेंसिटिविटी रखते हैं ना भाई थोड़ा हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो आप है ना थोड़ा 1600 पे अगर DPI खेल रहे हो तो कम ही रखना। एंड इमुलेटर का जो DPI ना भाई वो आपको 240 रखना है, 240 पे खेलना है। तो हमारी सेटिंग तो सारी हो चुकी है गाइस, अब हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा कि SMG गन की जो है ना मतलब हेडशॉट मारा जाता है ओनली रेड का, वो किस तरीके से मारा जाता है, मैं कैसे मारता हूँ अपने SMG गन्स के हेडशॉट। तो सबसे पहले गाइस हम लोग है ना पूरा अटैचमेंट के साथ अपनी गन को है ना मतलब पूरा कर लेंगे, क्योंकि यार अटैचमेंट नहीं होगा थोड़ा मतलब गन शेक होगी, थोड़ा रिकॉइल मारेगी। तो सबसे पहले अटैचमेंट हम लोग पूरा है ना कर लेते हैं। यहाँ पर अटैचमेंट भी पूरा हो चुका है, अभी देखते हैं हम लोग हमारा एड मतलब कैसा बैठता है एनिमी का पूरा हेड। तो देख सकते हो आप लोग मेरा मतलब एड मतलब है ना हेड पे लग ही रहा है, रेड नंबर तो लग ही रहा है मेरा पूरा मतलब यार अभी भी मतलब फिर से ठीक से मतलब प्रैक्टिस करूंगा ना तो पूरा हेड पे ही लगेगा, ठीक है।
तो आप सब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गाइस देख लो यहाँ पे मैंने है ना, जैसे एनिमी सामने होगा तो आपको है ना पूरा रेड होते मतलब रेड होने नहीं देना है, सबसे पहले है ना उसको व्हाइट होने देना है पहले, और फिर वहां से आपको क्या करना है ऊपर की तरफ डैग करना है। जैसे एक गोली बैठेगा ना आपको ऊपर की तरफ डैग करते रहना, जिससे कि आपका जो गोली होगा डायरेक्टली मतलब हेड पे लगेगा, फिर बॉडी पे मतलब लगेगा नहीं, ठीक है। एंड जब भी मतलब है ना हेड मारना तो भाई थोड़ा मतलब जॉयस्टिक को मत पकड़ना। अब जब क्लोज रेंज में एनिमी आएगा ना तो आपको क्या करना है बॉडी पे शॉट जैसे जाएगा तो सुपर की तरफ ऐसे ना ड्रॉ मतलब डैग करना है कि जैसे मतलब क्या बताऊं मक्खन की तरह, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको है ना हेडशॉट जब मारते हो ना आप लोग भाई, तब आपको है ना थोड़ा भी जॉयस्टिक पकड़ना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जॉयस्टिक पकड़ते ही मतलब थोड़ा एम जो है ना वो सरक जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जब भी मैं मतलब हेडशॉट मारने का मतलब कर रहा हूँ प्रयास, तो भाई यहाँ पे मैंने जॉयस्टिक नहीं पकड़ रहा हूँ, हेडशॉट मारने के बाद मैं जॉयस्टिक जरूर से पकड़ रहा हूँ। कभी कभी सिचुएशन आती है तब हमको जॉयस्टिक पकड़ना पड़ता है, तब अलग बात है, ठीक है। तो यही फंडा है गाइस एसएमजी गन से मतलब हेडशॉट मारने का, और कुछ मतलब सीक्रेट सेटिंग नहीं है। बाकी सारी सेटिंग्स तो मैंने आपको बता दी है, जैसे 1600 पे कैसे रखना है आपको, 1200 पे कौन सा रहना है, और मैं अपने इम्यूलेटर का डीपीआई बता दूं भाई, 240 पे मैं इम्यूलेटर का डीपीआई रखता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद है तो जरूर से लाइक करो, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दो, अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करो तो वहां पे भाई मुझे फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो गाइस यार आज की मजदूरी पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।